हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाले किना छी यहां सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक कम खंभा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय भी बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कुंभ राशि फल 2023 के बारे में कि आने वाला वर्ष 2023 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा और किस मामले में खराब रहने वाला है। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में आपको इतनी ही जानकारी नहीं मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि वालों के संपूर्ण चरित्र का चित्रण कर दूंगा। आपको मैं बता दूंगा कि कुंभ राशि के लोगों में आखिर वो कौन से गुण होते हैं जिसके कारण वो समाज में पूजनीय बन जाते हैं और वो कौन से अवगुण होते हैं जिसके कारण से कई बार उनको अपमान का सामना करना पड़ता है, कई बार उनको मुंह की खानी पड़ती है, कई बार उनका सर अपने इस अवगुण के कारण नीचे हो जाता है। देवी और सज्जनों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये आकलन करना है कि हमने जो कुंभ राशि के बारे में आपको जानकारी दी, आपके चरित्र का चित्रण किया, वो कितना प्रतिशत सच है। मुझे लगता है कि वो 80, 90 या 100, इसी तीनों में से आपके ऊपर में रैंक करेगा। आप उसको कमेंट में जरूर बताएंगे। देवी और सज्जनों, भाग्य जो है सो बड़ा अटल होता है। भाग्य का लिखा हुआ विधि का लेख कोई नहीं बदल सकता। आप कहोगे कि ऐसा कैसे, क्या आपके पास में एग्जाम्पल है? मैं अपने कर्म के बदौलत अपने भाग्य को बदल सकता हूं। ऐसा कई बार आपके मन में कल्पनाएं उत्पन्न होंगी। मैं और आप तो एक सामान्य मानव हैं, सामान्य मानवी हैं, जिसके पास में अभी खाया तो शाम में खाना मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जिनके पास में दुनिया की सृष्टि की समस्त शक्ति थी और फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए, कहोगे कि ऐसा एक भी एग्जाम्पल है मिश्रा जी आपके पास? तो कहा कि हाँ है। क्या है, ऐसे कौन थे वो लोग? तो जगत जननी जगदम्बा जानकी कह रही हैं, जो कि स्वयं पावरफुल है, स्वयं महालक्ष्मी की रूप है, नहीं स्वयं मैया लक्ष्मी की रूप है, नारायणी है स्वयं, वो कह रही हैं कि माता धरित्री जन कह पिता में, माता धरित्री जन कह पिता में, स्वामी चरामो जगताम धीसह, तथापि दुखम वनवास मध्य निवार जते केम ललाट रेखा। जगत जननी जगदम्बा जानकी मैया इस सृष्टि की जो पालनहार है, जो सृष्टि का डोर जिसके हाथ में है, वो मैया सीता कह रही है कि इस पृथ्वी पर जब मैंने अवतार लिया तो मैं कितनी भाग्यशाली थी। किसी ने कहा कि कैसे भाग्यशाली थी आप? तो कहते हैं कि माता धरित्री, माता के रूप में धरती मैया प्राप्त हुई। जो कहते तो सब है कि धरती मेरी माता है, लेकिन ये मैया के रूप में किसी को प्राप्त नहीं हुई, वो मुझे प्राप्त हुई, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। जनक पिता में, जिस जनक का अर्थ ही होता है पिता, वो जनक मुझे पिता के रूप में प्राप्त हो गए, अब इससे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? कहा कि इतना ही, कहा नहीं नहीं और है, और क्या? तो स्वामी चरामो जगताम धीसह, स्वामी के रूप में जो इस अखंड चराचर ब्रह्मांड के स्वामी है
श्री राम भगवान विष्णु मुझे प्राप्त हुए, अब मुझसे भला ज्यादा शक्तिशाली भाग्यवान कौन होगा, इससे ज्यादा शक्ति संपन्नता किसके पास में होगी। कहा कि बात तो बिल्कुल सही कह रही हो मैया। तो मैया कह रही है कि मैंने भी ये सोच लिया था कि मेरी माता धरती है, पिता जनक है और स्वामी राम है, मुझे किस बात का डर है, क्या हो सकता है मेरे साथ, जब जिस वक्त चाहूंगी हवा के रुख को उधर मोड़ दूंगी। लेकिन विधि का विधान लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता और वही मैं भी नहीं टाल पाई। कहा कैसे, तो कहा कि तथापि दुखम वनवास मध्ये, फिर भी मुझे दुख की प्राप्ति हुई जब मैं वनवास काल में थी, फिर भी मुझे रावण उठा के ले गया, मुझे दर दर का ठोकर खाना पड़ा, वहां पर मैं जाकर के पूरे लगभग 1.5 से 2 साल मुझे वहां पर मैं रह करके बिना खाए पिए वक्त बिताना पड़ा, एक एक पल बरसों के बराबर बीते, तब मैं समझी कि निवार जते केम ललाट रेखा, कौन है वो इस ब्रह्मांड में जो इस ललाट पर में जिसको विधाता के द्वारा जो लिख दिया गया उसको वो बदल सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो आइए देवी और सज्जनों, अब हम अपनी चर्चा की तरफ आगे बढ़े और आपको बताएं कि आपके लिए ये कुंभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं। अभी कुंभ राशि के चरित्र का चित्रण करने जा रहा हूं मैं। आप एक किसी कुंभ राशि के व्यक्ति को अपने मन में सोच लें और फिर मैं जैसा उनके बारे में बताने जा रहा हूं आप ये देखें और समझें कि क्या वो वाकई में व्यक्ति ऐसा है या मिश्रा जी केवल कुछ कह के निकलने की सोच रहे हैं। नहीं, सबसे पहला गुण कुंभ राशि वालों का कि ये प्रगतिशील होते हैं। ये देवी और सज्जनों, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना, कुछ न कुछ आगे की तरफ करके बढ़ते रहना कुंभ राशि वालों को बहुत अच्छा रहता है। हमेशा ये प्रगति के पथ पर चलना चाहते हैं। ये एक जगह रुक करके कहते हैं कि जब पानी चलता रहता है तो वो मीठा रहता है, जब पानी बहता रहता है तो वो स्वच्छ रहता है, और जो पानी रुक जाता है वो सड़ जाता है। तो कुंभ राशि वाले लोग ठीक इसी सोच के होते हैं। उनका ये जीवन में सपना होता है कि कुछ न कुछ करते रहना है, कुछ न कुछ करके आगे जो है सो बढ़ते रहना है। ये डेवलपमेंट को मानते हैं, ये विकास को मानते हैं, ये प्रगति को मानते हैं। एक जगह रह करके ठहर करके रहना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये कुंभ राशि वालों का पहला गुण हुआ। दूसरा, कुंभ राशि के जो लोग होते हैं, आपको मैं बता दूं, आपको आश्चर्य होगा लेकिन आप सुनेंगे तो आपको ये वाकई में, जब आप श्रवण करेंगे, जब आप मनन करेंगे तो आपको ये विश्वास होगा कि हाँ वाकई में मिश्रा जी सच कह रहे हैं। कुंभ राशि के लोग सत्य के साधक होते हैं। हमेशा सच के साथ रहना, हमेशा सत्य के साथ चलना, सच के पथ पे चलना, बड़ा यानी कि कितना भी उस सत्य के मार्ग पर चलने में तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन कुंभ राशि के लोग अक्सर जीवन में ये प्रयास करते हैं कि सत्य के मार्ग पर में ही चलना है। कुछ कुंभ राशि वाले यहां बैठे भी हुए हैं, सुन रहे हैं, वो सर हिला रहे, कह रहे हैं हाँ सही है। तो सत्य के मार्ग पर में चलते हैं, जल्दी ये आपको झूठ नहीं बोलेंगे, ये हमेशा प्रयास करेंगे कि सच के सहारे जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए जीवन में उतना बढ़िया है। तो ये दूसरा इनका गुण है जिसमें बड़ी तकलीफ का भी कुंभ राशि वालों को सामना करना पड़ता है इस सत्य के मार्ग पर चलने में, सत्य की साधना करने में। इतनी आसानी से ये
कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र को जब सत्य के मार्ग पर चलना पड़ा तो कितनी तकलीफ हुई, कहने की बात है। आप सब जानते हैं उस कथा को, सब लोग उस कथा को श्रवण कर चुके हैं। वही बात, सत्य के मार्ग पर चलना आज के समय में, कलयुग में इतना भी आसान नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलना अर्थात अंगारे पे चलना, सत्य के मार्ग पर चलना अर्थात कांटों पे अपना पांव डालते हुए चलना, और वो क्षमता भगवान ने कुंभ राशि वालों को दी है। यानी कि पहला सबसे गुण हुआ कि ये प्रगतिशील होते हैं, हमेशा प्रगति के पथ पर में, विकास के पथ पर में कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, और दूसरा कि सत्य के साधक होते हैं, और तीसरा तीसरा इससे भी बढ़ करके क्या है कि ये ईमानदार होते हैं। ईमानदारी से किसी भी कार्य को करना बहुत अच्छा लगता है इनको, जल्दी किसी के चीजों का बेईमानी से, चोरी से उसको गबन कर जाना इनको अच्छा नहीं लगता। अगर आपने इनको 100 रुपए दिए हैं, कहा कि जाओ कुंभ राशि वाला ये सामान खरीद के ले आओ, मान लीजिए कि आपका सामान 98 रुपया का हो गया, 2 रुपया जो आपका बचा हुआ है, जो आपके लिए मायने नहीं रखता, उसके लिए भी मायने नहीं रखता, फिर भी आपका वो 2 रुपया भी रखना पसंद नहीं करेगा, वो 2 का सिक्का भी निकाल करके आपको दे देगा, भैया ये 98 का सामान हुआ आपका, 2 रुपया आपका बच गया। इतने ईमानदार होते हैं। ईमानदारी की पराकाष्ठा अगर देखनी है तो कुंभ राशि वालों को कई बार आप जांच करके देख सकते हैं। कुंभ राशि वाले लोग हमेशा मानते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और इसी का प्रभाव है कि अक्सर कुंभ राशि वाले लोग जीवन में ज्यादा कष्ट भोगते हैं। कहते हैं कि अच्छे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को जीवन में कष्ट बहुत होता है, क्योंकि अच्छे मार्ग पर चलना ये एक तपस्या है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई इस पर में नहीं चल सकता, और एक सामान्य मानवी के लिए तो ये समझ लो कि अंगारों पर में चलने के बराबर है। सच के मार्ग पर चलना अंगारों पर चलने के बराबर, और झूठ के मार्ग पर चलना फूलों पर चलने के बराबर। हाँ, लोग किसको चुनेंगे? कहेंगे सच के मार्ग पर भी चलूंगा, ज्यादा तकलीफ भी होगी। हाँ, ऐसा कौन चले? इसलिए लोग अक्सर यू टर्न ले लेते हैं और झूठा रास्ता पकड़ लेते हैं। ऐसा सोचते हैं कि क्या होगा, थोड़ा सा कर ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, और इसी बात को सोच करके लोग अपनी ईमानदारी को बेच देते हैं। आपने अनुभव किया होगा, जो जो व्यक्ति जीवन में ईमानदारी से, जिस जिसने भी काम की, जिसने भी सत्य के लिए लड़ा, उसका जीवन बहुत संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ रहा। ये सच्चाई है, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है, मिलावट नहीं है। और जिस जिसने झूठ किया, फरेब किया, जिसने बेईमानी के रास्ते पे चला, वो बड़ा सुखी रहा कुछ समय तक। हमारे यहां एक कहावत है कि नानी का धन, पानी का धन और बेईमानी का धन, ये रुकता नहीं, ये टिकता नहीं, ये जिस तरह से आता है उसी तरह से चला जाता है। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको नानी का धन तो मिला लेकिन रुका नहीं, वो धन चला गया, वो पैसा जो है सो बर्बाद हो गया। बहुतों ने तो दूध में पानी मिला के बेचना शुरू कर दिया, पानी का धन आया लेकिन रुका नहीं, वो भी पानी की तरह चला गया। बहुतों ने तो बेईमानी करके धन अर्जित कर लिया लेकिन रुका नहीं, वो भी अगले के द्वारा बेईमानी में चला गया। इसीलिए कुंभ राशि वाले लोगों के
जीवन बड़ा संघर्ष और परेशानी से भरा होता है, उसका कारण ये है कि वो हमेशा कुछ न कुछ करना चाहते हैं, वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, वो हमेशा ईमानदारी से रहना चाहते हैं। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों का गुण है कि ये बहुत जांच परख करते हैं, बहुत जांच करके किसी के साथ रहने का परमिशन देते हैं। अगर कोई साथ में रह भी रहा है बिना जांचे हुए, उस पर विश्वास नहीं करते, उसको जांचते हैं, बिना जांचे हुए जो है सो वो उस पर में कभी विश्वास नहीं करते। उस पर में अगर सोए भी हुए हैं, अगर अभी मन भी कर रहा है सोने का, आप सो भी जाओगे तब भी आप ये देखते रहोगे कि यहाँ आसपास में जो व्यक्ति है वो जांच करने के बाद ही वो व्यक्ति हमारे साथ रहने लायक है या नहीं। यानी कि जांच परख करना इनका एक और मूलभूत गुण है। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि के लोग बड़े लोकप्रिय होते हैं। आप मान लो कि कोई कुंभ राशि का व्यक्ति है जिसका नाम है सदानंद, सदानंद बहुत लोकप्रिय व्यक्ति होगा, जिसका नाम है सुनील बहुत लोकप्रिय होंगे, जिसका नाम है श्रुति बहुत लोग चाहते होंगे, बहुत लोकप्रिय होंगे, बहुत जानते होंगे। कुंभ राशि के लोग हमेशा छाए रहते हैं, जिस जगह पर में भी लग रहते हैं लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, लोग उनको बहुत चाहते हैं, लेकिन जब उनकी ईमानदारी सामने आती है, जब उनकी सत्य के प्रति जो रुझान है वो सामने आता है, जब वो जांच परख करना शुरू करते हैं, जब उनके विकास को लोग देखते हैं, तो लोगों में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है, लोग उनसे जलन ईर्ष्या करने लगते हैं, और ये प्रयास करते हैं वही लोग जिसको कैसे पीछे खींच लिया जाए। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि के लोग आपको बहुत मिलनसार होते हैं, कहीं पर भी इनको डाल दो किसी भी खोपड़ी में, आप वहां पर में 10 लोग हैं कुंभ राशि वालों को चुटकी बजाते हुए दोस्ती करने में, मिलने में, घुलने में उनसे समय नहीं लगता, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं ये कुंभ राशि के लोग, ज्यादा वक्त नहीं लगता इनको। क्यों? क्योंकि ये मिलनसार होते हैं, मिलना जुलना उठना बैठना, जिस प्रकार से पानी में दूध मिल जाता है और पता नहीं लगता, कुंभ राशि वाले लोग भी ऐसे ही 10 लोगों के बीच में मिल जाते हैं और पता नहीं लगता, उसको छानने की जिस प्रकार से क्षमता केवल और केवल हंस में होती है, उसी प्रकार से कोई विशिष्ट व्यक्ति ही उसमें से कुंभ राशि वालों के बारीकी को, गुणों को पहचान करके उसका लाभ ले पाता है। बड़े विशिष्ट होते हैं कुंभ राशि के लोग। देवी और सज्जनों, अगर आपके कोई संगत में कुंभ राशि का है, अगर आपके परिवार में कुंभ राशि का है, तो उससे जरूर बढ़िया संबंध बना करके रखें, वो आपको जीवन में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये लोग अद्वितीय होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं ना, इनका दिमाग जो होता है ना, बड़ा व्यापक होता है, दिमाग बहुत दूर दूर तक चलता है उनका, बहुत लंबी लंबी क्रिएटिव चीजें जो है इनके दिमाग में चलती रहती है कि ये कर लूं तो ये हो सकता है, वो कर लूं तो वो हो सकता है, रचनात्मक स्थिति जो है, रचनात्मक सोच जो है इनका, आहा, बड़ा अद्भुत होता है। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के गुण और भी हैं, जैसे कि ये किसी के अंडर में जल्दी काम नहीं करना चाहते, ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इनका ये रहता है कि स्वतंत्रता के साथ वक्त बीते तो ज्यादा अच्छा है, एक बड़े कंपनी में नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटे कंपनी का मालिक बना जाए, इनका सोच ये होता है। और ये देवी और सज्जनों, स्वतंत्र रहना
इंडिपेंडेंट रहना कुंभ राशि वाले ज्यादा पसंद करते हैं। किसी के अंडर में काम करना इनको अच्छा नहीं लगता। ऐसे कहते हैं कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो मजबूरी की बात अलग है, लेकिन फिर भी कुंभ राशि वाले लोग अक्सर जो हैं सो स्वतंत्रता को ही ए ग्रेड में रखते हैं। बड़ा मानवीय गुण होता है इनमें और जमीन से जुड़े होते हैं ये लोग, अपने मूल को कभी नहीं भूलते। कुछ अवगुण की अगर बात की जाए, बुरा न मानना, तो ये कुंभ राशि वाले लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तित होने में इनको ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्द ये बदल जाते हैं। दूसरा अवगुण कि बड़े संकोची होते हैं ये। मदद अगर किसी को करना है तो मदद करने वक्त तो कर दिया, लेकिन जब लेने की मदद बारी है तो मन में इनको ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं कैसे मांगू, कैसे कहूं, क्या कैसे, ये वो दिस्ट है। संकुचित रहते हैं, संकोच बहुत ज्यादा इनको जो है जीवन में परेशान करता है। थोड़े से सनकी किस्म के भी होते हैं, दिमाग जो है कभी कभी इतना गर्म, इतना पागलपन इनके अंदर घुस जाता है कि इनको खुद समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि अक्षम है ये, कोई कार्य इनसे हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ निगेटिव चीजें हैं जिनको इनको बाहर निकालने की आवश्यकता है। पसंद नापसंद की अगर बात की जाए देवी और सज्जनों, तो मित्रों के साथ मस्ती करना कुंभ राशि वालों को बहुत पसंद होता है। दूसरों की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगता है। किसी कारण के लिए लड़ना इनको बहुत अच्छा लगता है। बौद्धिक वार्तालाप इनको बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छा श्रोता इनको बहुत पसंद होता है। नापसंद की बात की जाए तो किसी चीज पर में अंकुश लगाना, इन पर में अगर कोई अंकुश लगाने का प्रयास करेगा तो वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वादों को अगर कोई तोड़ दे तो वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अकेला रहना इनको अच्छा नहीं लगता। सुस्त रहना या सुस्त और उबाऊ लोग इनको अच्छे नहीं लगते। लोग जो इनसे ज्यादातर असहमत रहते हैं इनको अच्छे नहीं लगते। जहां तक भाग्यशाली अंक की बात है तो 4, 8, 13, 17, 22, 26 ये सब इनके लिए भाग्यशाली अंक है। जहां तक विवाह की बात है, दोस्ती की बात है, किसके साथ समय ज्यादा अच्छा बीतेगा, तो मिथुन, तुला, सिंह ये तीन राशि है जिसके साथ अच्छी दोस्ती और वैवाहिक जीवन भी बढ़िया बीतने के उम्मीद है। देवी और सज्जनों, शुभ दिन की बात की जाए तो शनिवार का दिन, शुक्रवार का दिन इनके लिए ज्यादा शुभ है। भाग्यशाली रंग नीला और काला होता है। तो ये कुंभ राशि वालों के बारे में हमने आपको कुछ बातें बताई, जिस पर में आपको रेटिंग करना है, देखना है कि हमने जो इनका कैरेक्टर चरित्र चित्रण जो आपके सामने किया है ये कितना प्रतिशत सही है, 80, 90 या पूरे के पूरे 100%। कमेंट में लिख करके जरूर बताएं, क्योंकि एक एक व्यक्ति के कमेंट का मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। आप सभी का मैं बहुत दिल से, बहुत दिल की गहराइयों से आपकी बातों का, आपके रायों का इंतजार करता रहता हूं। सबसे पहले वीडियो पॉज करके और कमेंट करें और मैं पहले आपका कमेंट पढ़ता हूं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। देवी और सज्जनों, अब हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो मूल चर्चा है, आने वाला वर्ष 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, उस पर में बढ़ेंगे। क्या है चर्चा? तो देवी और सज्जनों, आप देखें कि 2023 का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इसमें
हमने क्लियरली लिखा है, शायद आपको दिखाई दे रही हो या नहीं, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है इसको कम करूंगा तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर मैं शनि इन कुंभ राशि 17 जनवरी 2023, शनिदेव कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 को प्रवेश करेंगे और गुरु जो है सो मेष राशि में 22 अप्रैल 2023 को प्रवेश करेंगे। ये कुंभ राशि वालों की गोचर कुंडली है जिसमें शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और गुरु को हमने मेष राशि में बैठा रखा है। इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ने वाला है, इसी को इसका जो फल घटित होगा इसी को तो राशि फल कहते हैं। आइए अब मैं चर्चा सबसे पहले शनिदेव के फल से ही प्रारंभ करता हूं कि शनिदेव का क्या फल आपके लिए रहने वाला है। देवी और सज्जनों, शनिदेव कुंडली के प्रथम भाव में कुंभ राशि में बैठ करके सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कौन से राजयोग? सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं देवी और सज्जनों, जो आपके लिए बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुखद और बहुत ही हाई लेवल का इस राजयोग को कहा गया है। जो भी लोग कुंभ राशि की एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में उनको होंगे उनको बहुत प्रमोशन, बहुत तरक्की मिलने वाली है, बहुत हाई लेवल में जाने वाले हैं वो लोग। जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जाना चाहते होंगे उनको भी जो है सो ये बहुत आगे लेकर के जाएगा, बहुत ऊपर लेकर के जाएगा। आइए हम चर्चा डिटेल से एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला कि प्रथम भाव में शनि का बैठना आपके लिए किस किस मामले में बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आएगा वो देखें। 17 जनवरी से पहला भाव जो है सो आपके शरीर का होता है, आपके शरीर का होता है। आपका शरीर जो है सो इस समय में स्वस्थ रहेगा, बड़ा शरीर आपका मजबूत रहेगा इस समय में, बहुत मजबूती के साथ आप अपने शरीर का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस समय में आपके शरीर का भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा होगा। आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है जिस जिस जगह पर में आपने कल्पना नहीं की थी उस जगह पर में आपका ये शरीर देख करके आपका काम हो जाएगा कुंभ राशि वाले 17 जनवरी 2023 के बाद। ये जो पहला भाव है शरीर के साथ साथ आपके रंग रूप का भी है। किस चीज का है? रंग का भी है और रूप का भी है। इस समय में आपका चेहरा, आपका रंग रूप बड़ा आकर्षक दिखेगा। मैं काले गोरे की बात ही नहीं कर रहा, मैं श्याम रंग और व्हाइट रंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो भी रंग है इस समय में शनिदेव के यहां बैठने के कारण उस रंग में निखार आ जाएगा, उस रंग में गजब की आकर्षण शक्ति आ जाएगी और वो रंग इस समय में बड़ा सुंदर दिखने वाला है। आप देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो पहला भाव है आपके रंग रूप के साथ साथ आपके ज्ञान का भी होता है। आपका ज्ञान इस समय में, आपकी ज्ञान धीरे 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 जो है बढ़ती चली जाएगी, आप बड़े ही ज्ञानी होते चले जाएंगे, ज्ञानवान होते चले जाएंगे। ज्ञान जो है आपका वो हर तरफ से निखरता हुआ रहेगा, हर तरफ से आप देखेंगे कि जो जो बातें पहले आपको नहीं पता थी, समझ नहीं आ रही थी, वो बातें, वो पॉइंट इस समय में आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा और समाज भी आपको एक ज्ञानी व्यक्ति के तौर पर में मानने लगेगी, समाज भी आपको मान सम्मान देना शुरू कर देगा। ये छोटी बात नहीं है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा
पहला भाव है ये सिर्फ ज्ञान का ही नहीं होता, ये भाव आपके मस्तिष्क का होता है जहां पर में ज्ञान समाहित होती है। इस भाव में शनिदेव के रहने के कारण आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, बड़ा विकसित होता चला जाएगा, बहुत विकास की ओर। वैसे तो कुंभ राशि के लोग प्रगतिशील होते ही हैं, लेकिन शनिदेव का मस्तक पर में बैठना आपके प्रगति को, आपके विकास को और आगे बढ़ाता चला जाएगा और आपको ऊपर लेकर के जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से जो है सो आपके दिमाग को विकसित कर देगा और दिमाग को एक मजबूती प्रदान करेगा। आपका दिमाग इस समय में कोई भी बड़ा से बड़ा, करा से करा डिसीजन लेने में सक्षम होगा। देवी और सज्जनों, ये पहला भाव आपके विवेक का भी होता है। इस समय में आप एक विवेकी पुरुष के तौर पर में, विवेकी व्यक्ति के तौर पर में, विवेकी महिला के तौर पर में जानी जाएंगी। ये जो पहला भाव है आपके शील का होता है, शील अर्थात आपका चरित्र का होता है। इस समय में आप काफी चरित्रवान बने रहेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से जो है सो इस समय में वक्त बिताएंगे। आपके चरित्र पर में, कैरेक्टर पर में कोई दाग नहीं लगा सकता। इस समय में आपका चरित्र, आपका शील स्वभाव बड़ा चमकता हुआ दिखाई देगा। देवी और सज्जनों, बड़ा सुंदर समय रहेगा। ये जो पहला भाव है आपके जीवन में किए जाने वाले गर्व करने लायक काम का भी होता है। इस समय में भगवान की कृपा से कुंभ राशि वाले लोग 17 जनवरी 2023 के बाद, यानी कि 17 जनवरी से पूरे 2023 में कभी भी कोई ऐसा अद्भुत कार्य आप कर सकते हैं जिसके कारण आपको खुद भी अपने आप पर में गर्व होगा और आपके घर वाले, आपके समाज के लोग, आपके परिवार के लोग भी आप पर में गर्व करेंगे। आप इस समय में काफी गर्वित होंगे अपने आप पर में, गौरव महसूस होगा आपको खुद अपने आप पर में, क्योंकि कोई ना कोई आने वाले वर्ष 2023 में आपके माध्यम से ऐसा कार्य होगा जो आपको बहुत ही एक विशेष व्यक्ति के तौर पर में, समाज में, परिवार में, सबके सामने रखेगा। इतनी चीजें प्राप्ति के बावजूद ये जो भाव है सो विनम्रता का भी है और इस समय में आपकी विनम्रता भी बढ़ेगी। आप काफी विनम्र बने रहेंगे, आपकी विनम्रता की भी चर्चा देवी और सज्जनों हर तरफ होगी। ये जो भाव है पहला, वो आपके स्वभाव का भी होता है। आपका स्वभाव इतना अच्छा रहेगा, मीठा रहेगा कि हर कोई आपसे प्यार करना चाहेगा, हर कोई आपके साथ जो है सो रहना चाहेगा, हर कोई आपके साथ वक्त बिताना चाहेगा। बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत मीठा स्वभाव रहेगा आपका। शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 तीसरे भाव पे पड़ेगी। आपको पता होगा या नहीं, ये तीसरा भाव जो है सो छोटे भाई बहन का होता है। छोटे भाई बहन से आपको इस समय में सपोर्ट की प्राप्ति होगी। छोटा भाई बहन आपको इस समय में मदद करेगा। आप उनसे लाभ लेना चाहते हैं तो आपको छोटे भाई बहन से इस समय में लाभ की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है वो छोटे भाई बहन के साथ साथ आपके पराक्रम का भी होता है। इस समय में आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। काफी पराक्रमी व्यक्ति के तौर पर में इस समय में समाज में आप जाने जाएंगे। आपके पराक्रम की चर्चा हर तरफ होती हुई नजर आएगी। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है पराक्रम के साथ साथ आपके धैर्य का भी है। आप काफी धैर्यवान बने रहेंगे। इस समय में आपका पेशेंस लेवल जो है सो बड़ा मजबूत रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा और मजबूती के साथ आप अपने
धैर्य के साथ, सब्र के साथ खड़े रहेंगे। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास में धैर्य होता है, वो व्यक्ति जीवन में हर असंभव कार्य को भी संभव कर लेता है। कई बार आपने भी सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, वो सब्र यही धैर्य है। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है, माता के मृत्यु का भी होता है। आपने आज तक सुना होगा कि माँ का घर चौथा, माँ का घर चौथा, ये सही है कि माँ का घर चौथा होता है, लेकिन माँ से बारह माँ, माँ से द्वादश घर माँ के मृत्यु का होता है। और इस समय में अगर माता के जन्म कुंडली में कोई बहुत ही हाई लेवल का मार्केश का योग नहीं चल रहा होगा, बहुत हाई लेवल का, तब आप अगर उनकी कोई सामान्य मृत्यु भी आने वाली होगी, सामान्य मृत्यु तुल्य कष्ट भी आने वाला होगा, तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि यहां पर शनि की दृष्टि पड़ गई। ये जो तीसरा भाव है, सो आपके गुप्त शत्रु का होता है, छुपे हुए दुश्मन का, जिसके कारण से इस समय में आपके छुपे हुए दुश्मन का भी, छुपे हुए दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं, बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हो सकता है तो आपका छुपा हुआ दुश्मन और उसका पता लग जाए और वो आपके सामने आ जाए, उसकी पोल खुल जाए, गुत्थी सुलझ जाए और आप उसको जान लो कि यही है वो जो आस्तीन का सांप है। देवी और सज्जनों, ये तीसरा भाव गले, नाक, कान, श्वसन अंग का भी होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार के गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी है, तो वो सभी परेशानी जो है इस समय में दब जाएगी। पूर्ण रूप से दूर हो ना हो, लेकिन राहत आप जरूर महसूस करेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि इस समय में जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है और वो चाह रहा है कि उसकी विवाह हो, तो कुंभ राशि वाले, आपके विवाह का भी योग बनेगा, आपका जीवन विवाह की तरफ आगे बढ़ेगा, जीवन साथी के सुख मिलने का योग बन रहा है कुंभ राशि वाले, काम और वासना की भी पूर्ति होगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय जो लोग कर रहे होंगे, जिनका डेली का इनकम होगा, उनके आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, वो लोग इस समय में अच्छा पैसा बना लेंगे। जिस किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट पार्ट से संबंधित, यानी कि लिंग, योनि, अंडकोश, बहुत हद तक गुदा मार्ग भी, इन सब से संबंधित अगर किसी को कोई परेशानी होगी, तो उसको भी इस समय में राहत देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, ये जो सप्तम भाव है, वो प्रत्यक्ष शत्रु का भी होता है, जो दुश्मन आपसे डायरेक्ट टकराने की क्षमता रखता है, उसका भी होता है। इस समय में अगर कोई व्यक्ति आपसे टकराने का प्रयास भी करेगा, तो वो चूर चूर हो जाएगा, आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देवी और सज्जनों, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं, तो मिला जुला करके वो भी ठीक ठाक ही चलेगा। शनि की दशम दृष्टि यहां से दशम भाव पे पड़ेगी, हमने पहले ही बताया था, दशम भाव पे पड़ेगी, दसवां भाव पिता का होता है। इस समय में आपको पिता से विशेष लाभ का योग बनेगा, पिता से, पिता तुल्य लोगों से भी फायदा होगा। ये जो दसवां भाव है, वो आपके सरकार का भी होता है, जो लोग सरकारी नौकरी लेना चाह रहे थे भगवान की कृपा से, इस समय में उनके सरकारी नौकरी के भी मिलने का योग बन रहा है, गवर्नमेंट जॉब भी उनको हो सकता है, अगर जन्म कुंडली में भी सरकारी नौकरी का योग होगा तो। काम धंधा का भी भाव यही होता है, इसलिए इस समय में आपका काम धंधा भी बढ़िया चलेगा,
पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी काफी वृद्धि हो जाएगी। इस समय में समाज में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर में जानने लगेंगे। शनि इस कुंडली में 12वें भाव का भी मालिक है, तो जो लोग विदेश में रहते हैं अथवा विदेश से जिनका कारोबार है उनको विशेष लाभ का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि गुरु जो है इस कुंडली के 3रे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि 22 अप्रैल से प्रवेश करेंगे। शनि का फलादेश समाप्त हुआ, गुरु के 3रे भाव में बैठने कारण गुरु भी आपको छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब से लाभ दिलवाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, धैर्यवान बनवाएंगे, गुप्त शत्रु का नाश करेंगे, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को दूर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में ये भी आपके विवाह का योग बनाएंगे, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को ये भी दूर करेंगे, दुश्मनों का नाश करेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से गुरु के कारण इस समय में भाग्य का भी 22 अप्रैल के बाद आपको खूब सपोर्ट मिलने वाला है। थोड़ा सा परिश्रम करेंगे और भाग्य भरोसे अनुभव करेंगे कि आपका ज्यादातर काम जो है सो ट्रैक पे आ रहा है, आपका ज्यादातर काम अपने आप होता चला जा रहा है। इस समय में अपने आप को आप भाग्यवान कह सकते हैं, भाग्यवान महसूस कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, धर्म के क्षेत्र में भी कार्य करने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा भी करेंगे, धर्म का कार्य भी करेंगे और तीर्थ यात्रा भी करेंगे। यश में भी वृद्धि होगी, समाज में हर तरफ आपकी चर्चा होगी, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। गुरु की नवम दृष्टि एकादश भाव पे, गुरु के कारण 22 अप्रैल के बाद आपके आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधु दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, गुरु इस कुंडली के द्वितीय भाव के भी मालिक हैं। ये दूसरा भाव धन धान्य संपत्ति का भी होता है, जिसके कारण से गुरु के कारण आपको पैसा जमा करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। धन धान्य संपत्ति जमा भी कर सकते हैं, कुटुंब से परिवार के लोगों से भी आपको फायदा होगा, वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, वाणी जो है आपकी इस समय में सरस्वती का वास हो, आपकी वाणी इतनी सुंदर मीठी निकलेगी कि आप बड़ी प्रसन्न महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी वाणी में अचानक से ये 22 अप्रैल के बाद ये इतनी दिव्यता कहां से आ गई, क्योंकि आपकी वाणी सिर्फ ज्ञान की बातें करेंगी। ये दूसरा भाव आपके परिवार का भी होता है। देवी और सज्जन, इस समय में गुरु की दृष्टि, गुरु के मालिक होने के कारण आपको अपने परिवार के लोगों से भी सपोर्ट मिलेगा, परिवार से भी लाभ मिलेगा। सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करने का सुअवसर भी आपको प्राप्त होगा। यहां तक कि जो पड़ोसी है आपका, जिसके साथ पैठ नहीं बैठता था पहले, उस पड़ोसी के साथ भी आपके संबंध बदलते हुए नजर आएंगे, उसके साथ भी संबंध जो है आपका वो बढ़िया होता हुआ नजर आएगा। देवी और सज्जनों, हर मामले में ईश्वर की कृपा से कुंभ राशि वालों के लिए समय 2023 बहुत अच्छा रहने वाला है। शर्त बस इतना है कि आपके मूल जन्म कुंडली में कहीं समय बहुत विपरीत ना हो। अगर मूल जन्म कुंडली में समय बहुत खराब होगा तब फिर थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर मूल जन्म कुंडली में भी समय बढ़िया है, यहां भी बढ़िया है, फिर तो बल्ले बल्ले है। आपको रोकने वाला कौन है, किसकी क्षमता है कि आपको रोक लेगा। उम्मीद करता हूं कि कुंभ राशि वाले, आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।
अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।